आगे बढ़ते बात अखिलेश की गढ़गर्जना की करते हैं। आज से समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा आठवें चरण में पहुंचेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेकर आज मैनपुरी पहुंचने वाले हैं, जो एटा तक जाएगी। मैनपुरी का इतिहास ये है कि वो सपा का गढ़ माना जाता है। आठवें चरण की शुरुआत अखिलेश यादव अपने गढ़ से ही कर रहे हैं, इसलिए सपा की विजय रथ यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे और पिछले चुनाव में मैनपुरी के 4 में से 3 सीटों पर सपा ने जीत का परचम लहराया था और उस जीत को बरकरार रखने की कोशिश इस बार भी लगातार अखिलेश की है। और मैनपुरी से अधिक जानकारियों के साथ अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नितिन उपाध्याय जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। नितिन, क्या जानकारी है, कितनी देर में वहां पर विजय रथ यात्रा पहुंचेगी अखिलेश यादव की? बस थोड़ी देर में अखिलेश यादव क्रिश्चियन मैदान मैनपुरी पहुंचने वाले हैं। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं किस तरह से जो समाजवादियों का कहा जाए जो बड़ी संख्या में समाजवादी और क्रिश्चियन मैदान में जुटना शुरू हो गए हैं। यहां अखिलेश यादव एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका जो विजय रथ है वो भी पहुँच चुका है, वो पत्रकारों से भी बात करेंगे, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एक समय निर्धारित किया गया है। पूरा जो क्रिश्चियन मैदान है ये कहा जाए होर्डिंग बैनर से पाट दिया गया है और मैनपुरी वो गढ़ है जो समाजवाद का कहा जाए अभेद्य किला है। 4 में से 3 सीटें यहाँ 2017 में भी समाजवादी पार्टी ने जीती थी। जो मुलायम सिंह यादव है लंबे समय से यहाँ सांसद हैं, तो ऐसे में जो कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। बात करते हैं, आप बताइए किस तरह से क्या माहौल देख रहे हैं और आज तो अखिलेश जी अपने कहा जाए अपने गढ़ में क्या कहते हैं? माहौल की बात तो देखिए पूरे प्रदेश में एक आंधी है अखिलेश यादव की और उसका ताज़ा उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री जी सर्दी में डुबकी लगा रहे हैं, तो इससे आप उनकी जो घबराहट है समझ सकते हैं कितने घबराए हुए भाजपा वाले। और बाबा जी उनको तो पहले ही पैदल कर दिया है मुख्यमंत्री कर दिया। आप क्या क्या कहना चाहेंगे? आप तिरंगा जो समाजवादी झंडा है उसको लेकर बाबा जी को तो पहले ही पैदल कर दिया है। और मैं बता रहा हूँ अकेले अखिलेश यादव, उनके साथ पूरे प्रदेश का नौजवान युवा गरीब मजदूर किसान सब साथ है और एक तरफ भाजपा के पूरे देश के नेता जो उत्तर प्रदेश में हर तरह से जिसके साथ प्रशासन भी लगा है, लेकिन चुनाव पहले जनता ने निर्णय दे दिया है और 22 में समाजवादी सरकार आ रही है। समाजवादी सरकार आएगी, क्या लग रहा है आज मैनपुरी में अखिलेश यादव आठवें चरण की ये विजय रथ यात्रा है, किस तरह के देख रहे हैं? अखिलेश यादव जब मैनपुरी आते हैं तो यहाँ के लोगों में जबरदस्त कहा जाए अटैचमेंट रहता है। ये उनका गढ़ है, ये 14 में बचा, ये 17 में बचा, ये 19 में बचा और ये 22 में भी बचेगा और पूरा परचम लहराएगा और चिलम पर साइकिल भारी होगी इस बार और भारी बहुमत भी जीत रहे हैं इस बार। जबरदस्त इस समय उत्साह है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैनपुरी गढ़ पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में काम करेगी और ये भाजपा की सरकार जिसने हॉस्पिटल से रेल बेच दी, अब ये उत्तर प्रदेश नहीं बेचने देंगे। 2022 में सपा सरकार लाने का पूर्ण मेहनत से अपना लगन से काम करेंगे। लग रहा है कि जब लगातार प्रचंड लहर में मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद चुने गए, 14 में 19 में 17 में से भी 4 में 3 सीटें आपने जीती, तो क्या लग रहा है कि इस बार भी वही परफॉर्म? चारों की चार सपा है बीजेपी, यहाँ से चारों की चार सपा की सरकार। देखिए पहले क्या था कि जो जनता को जिस धोखे में रखा था, साग किसे कहा कि आपके समाज का बनाएंगे, पाल से कहा आपके समाज मुख्यमंत्री बनाएंगे और अभी आपका उदाहरण देखिए निषाद समाज के लोग किस तरह से ठगे गए थे और रैली में सामने मंच में उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। ये जनता है कि सर्व समाज इस बार समाजवादी पार्टी, देखिए भाजपा तोड़ने काम करती है, समाजवादी पार्टी पूरे समाज को हर समाज के व्यक्ति को साथ लेके चलती है और ये जितने भी समाज के लोग हैं अखिलेश यादव सबको एक साथ लेके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सवाल बड़ा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ, चाहे मंच हो चाहे होर्डिंग बैनर हो, शिवपाल सिंह यादव के फोटो गायब है। आप शिवपाल सिंह की बात कर रहे हैं, मैं आप कल तो मिल गए, दिल भी मिले हैं दल भी मिले, आज किसी कारणवश शिवपाल सिंह नहीं शामिल हो पाए, लेकिन मैं मंच पर देख पा रहा हूँ यहाँ एक भी उनका फोटो नहीं, क्यों नहीं है? देखिए सभी सब होर्डिंग पे है, ऐसा है उनकी ज्यादातर होर्डिंग पे कई कार्यकर्ता होते ऐसे हैं। जी तो यहाँ तो उनका मजबूत संगठन है प्रसपा का, व्यक्तिगत तौर पर भी उनके बड़े सम्मान है। माननीय शिवपाल जी का सम्मान जनता सभी करती है, वो अखिलेश यादव के चाचा है और ज्यादातर होर्डिंग बैनर पे क्यों है? देखिए हर होर्डिंग पे देख लीजिए, चाचा हर होर्डिंग पे है, चाचा हर होर्डिंग पे है। अब मजबूती आई है परिवार एक हो गया, परिवार एक हो बहुत ज्यादा मजबूती आई है, दिल एक हो गया है, एक है दिल भी एक है, दिल और दिल दोनों एक है, खून एक है, दिल एक है, खून एक है, खून एक है।
सैफई कुनवा एक होने से पूरा अच्छा असर पड़ने वाला है। कमरा उत्तर प्रदेश जीतने वाले हैं, 400 सीट आने वाली है। आपने अभी कहा सतपाल सिंह की फोटो, ये इस पे जूम करिए। ए भाई ए भाई, इस पे जूम करिए। ये देखिए माननीय सतपाल सिंह जी, हर फोटो में देखिए, सतपाल यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, राजू भैया जिंदाबाद, राजू भैया जिंदाबाद। मैं आपको बता दूं, यहाँ भाजपा के बड़े मंत्री प्रशासन से कह रहे थे कोविड का नियम अप्लाई करिए, कुछ भी करिए, ये रैली में होने दीजिए। उनको अपनी हार पहले सुनिश्चित हो चुकी है। यहाँ आज 4 दिन हो गए, छापा पड़ा था, आज 4 दिन बाद सीबीआई जो उन्होंने इनकम टैक्स भेजा था, इनकम टैक्स खाली हाथ गई है, कुछ भी नहीं मिला। ये जानबूझकर, ये पॉलिटिकल छापा, ये पॉलिटिकल नहीं, सुनिए, ये पॉलिटिकल। अभी तक चुनाव तो छापा अभी तक क्यों नहीं पड़ा, चुनाव आ गए छापा पड़ेंगे। अभी तो अखिलेश जी ने कहा है, अभी इनकम टैक्स आया, अभी इनके दो साथी सीबीआई ईडी वो भी आएंगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। इस बार जनता ने मन बना लिया, 2022 में अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, उनका कहना है कि प्रचंड बहुमत से इस बार एक बार फिर से यहाँ मैनपुरी में और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार वापसी कर रही है। बिल्कुल ठीक है नितिन।